तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड सारी थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी और हम लोग उस पर क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे। पहला क्वेश्चन उस पर मैंने आपको कराया था जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं और धीरे धीरे हम लोग का डिफिकल्टी लेवल इस पर बढ़ता चलेगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं इस कंपोजिट फंक्शन पे, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है आपका कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम, इसका डोमेन है देखिए 2, 3, 4, 5। टू किस पे डिफाइंड है? 3, 4, 5, 9। एंड जी एक दूसरा फंक्शन है जो डिफाइंड है 3, 4, 5, 9 से। मतलब ये जो f का रेंज है वो g का क्या है? डोमेन है। तो g इज डिफाइंड फ्रॉम 3, 4, 5, 9, 2। ये किस पे डिफाइंड है? ये आपका डिफाइंड है 7, 11, 15 पे डिफाइंड है, ठीक है, 7, 11, 15 पे। f इज डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस एंड g इज डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस बी सच दैट, और ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि आपको डाटा दिया हुआ है f(2) = 3, f(3) = 5, f(4) = 9 एंड f(5) = 4। साथ में आपको g का भी डाटा दिया हुआ है, g(3) = g(9) = 11, g(3) = g(9) = 11 दिया हुआ है, g(4) = 7 दिया हुआ है एंड g(5) = 15 दिया हुआ है। एंड g(5) जो है वो कितना दिया हुआ है? 15। देन क्वेश्चन ये है, देन राइट गॉफ। तो आपको गॉफ लिख के बताना है कि गॉफ क्या आएगा, इस फंक्शन को लिख के बताना है ये गॉफ क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको कोशिश करिए, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। देखिए आपको क्या लिखना है, देखो तो आपको लिखना है गॉफ। गॉफ मतलब क्या? जी ऑफ एफ एक्स, ये लिखना है, ठीक है। आपको गॉफ लिखना है, गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स लिखना है। तो पहले क्वेश्चन ये उठता है ना कि जब गॉफ लिखना है तो इसमें हम इनपुट क्या डालेंगे, डोमेन क्या डालेंगे। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन होता है दैट इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, इनर फंक्शन की डोमेन का सबसेट होता है, क्योंकि जो इनपुट होता है वो सबसे पहले इनर फंक्शन में जाता है और इनर फंक्शन ही उसको अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो ओवरऑल डोमेन में तो जा ही नहीं सकता ना। इसलिए मैंने बताया था कि डोमेन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन वाज अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द इनर फंक्शन। तो इसका जो गॉफ का डोमेन होगा वो एफ की डोमेन का सबसेट होगा, मतलब ये वाला एफ, ये वाला, ठीक है। तो यही वाला जो डोमेन है वो इस गॉफ का डोमेन हो जाएगा, ठीक है, पूरा डोमेन हो जाएगा, सबसेट का यही पूरा डोमेन हो जाएगा। क्योंकि पता है एफ की जो रेंज है, एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन में कंप्लीटली लाई कर, देखो जो एफ की रेंज है वो जी की डोमेन में कंप्लीटली लाई कर रही है, इसलिए एफ का पूरा डोमेन हो जाएगा वो गॉफ का पूरा डोमेन हो जाएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए एफ का जो रेंज है वो जी की डोमेन में लाई करेगा, इसलिए पूरे इसके लिए आपका गॉफ डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या निकल करके आ रहा है? 2, 3, 4, 5। तो वन बाई वन चलो 2 डालते हैं, सबसे पहले 2 डालते हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गॉफ ऑफ 2। तो गॉफ ऑफ 2 क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 2, ठीक है। नाउ इट विल बी जी ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखो यहां से 3, और जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहाँ जी ऑफ 3 है 11। तो यहां से आपको क्या पता चला कि गॉफ 2 जो है वो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, ठीक। अब चलिए 3 इनपुट डालते हैं गॉफ के अंदर, तो गॉफ ऑफ 3 ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ 3, ये क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 3 है देखो 5, ये हो जाएगा जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 देखो दिया हुआ है 15,
तो ये गॉफ ऑफ 3 जो है वो कितना आएगा, 15 आएगा। अब इनपुट डालते हैं 4, देखिए गॉफ ऑफ 4 ये क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 4 ये हो जाएगा, देखिए जी ऑफ एफ ऑफ 4 है 9, तो जी ऑफ 9 और जी ऑफ 9 है आपका 11। एंड लास्टली इनपुट डालते हैं 5, तो गॉफ ऑफ 5 ये क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 5, जी ऑफ एफ ऑफ 5 कितना है 4, तो जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 कितना आ गया 7, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि गॉफ के अंदर हमने 1 by 1 सारा इनपुट डाला, एफ की डोमेन का इनपुट, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, और हमें लिखना था गॉफ। तो पता है गॉफ हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए गॉफ फंक्शन को पता है एक और लिखने का फॉर्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, इनपुट आउटपुट रिलेशन फॉर्म या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो ऐसे भी कभी कभी फंक्शन को लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा ये भी फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, क्या, इनपुट आउटपुट रिलेशन फॉर्म या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। जैसे इनपुट 2 तो आउटपुट क्या मिला 11, तो ऐसे लिखा, देखो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जिसमें पहला वाला इनपुट दिखाता है और दूसरा वाला आउटपुट दिखाता है। इनपुट 3 तो आउटपुट 15, इनपुट 4 तो आउटपुट 11, इनपुट 5 तो आउटपुट 7, एंड दैट इज योर गॉफ। ये है गॉफ, ये हमने गॉफ फंक्शन को लिखा। ये गॉफ को लिखने का कौन सा फॉर्म था, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन लिखना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने एक एक करके एफ के इनपुट्स डाले और आपको आउटपुट मिला, ऑर्डर पेयर फॉर्म लिख लिया। इसमें अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, काफी चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं फिर आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि इफ gx इक्वल टू 1+√x, पहला क्वेश्चन है, मैं डाटा सिंपल दे रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं आपको बहुत चीजें सिखा सकूं। तो इफ gx इक्वल टू 1+√x एंड f of gx इक्वल टू 3+√x + x, f of gx कितना दिया हुआ, 3+√x + x, देन आपका क्वेश्चन है, देन फाइंड fx। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन सुन लीजिए, आपको दिया हुआ है gx दिया हुआ है, इट इज 1+√x, लेकिन fx नहीं दिया हुआ है, बल्कि कंपोजिट फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू दे दिया है 3+√x + x। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एफ एक्स होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस, ट्राई करिए जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइएगा, सिर्फ मेरी बातें सुनिएगा, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिखाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन आप कर सको। देखो आपको जी एक्स दिया हुआ है 1+√x और साथ में आपको कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स भी दे रखा है, और ये क्या दिया हुआ है, 3+√x + x, इतना आपको दे रखा है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब आप वो एफ एक्स बताइए जिसके लिए एफ ऑफ जी एक्स ये आएगा, वो एफ एक्स ढूंढ के बताना है। तो चलिए देखिए कंपोजिट फंक्शन कैसे, जी एक्स की वैल्यू रखो, तो आपको दिया है एफ ऑफ 1+√x, जी एक्स की वैल्यू 1+√x है, एफ ऑफ 1+√x इक्वल टू 3+√x + x, ये आपको पता है। और आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी, क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, लिसन केयरफुली, अभी तक आप उल्टा करते आते थे, अभी तक आपका क्या रहता था कि आपको एफ एक्स पता रहता था, है ना, जैसे मान लीजिए एफ एक्स कुछ कुछ दिया है
और आपको निकालना है एफ ऑफ वन प्लस रूट एक्स। तो क्या करते थे जरा बताइए, तो आप करते थे कि जहां जहां पे x रहता है वहां वहां पे वन प्लस रूट एक्स पुट कर देते हैं, यही करते हो ना। तो इस साइड में भी जहां जहां पे x रहता है वहां वहां पे वन प्लस रूट एक्स पुट कर देते हो, जहां जहां पे x रहता है वहां वहां पे वन प्लस रूट एक्स पुट कर देते हो। लेकिन इस बार हमें उल्टा काम करना है, इस बार हमें बिल्कुल उल्टा काम करना है। मतलब कि हमने एफ ऑफ वन प्लस रूट एक्स निकाल लिया है और हमें एफ एक्स चाहिए, तो जहां जहां पे वन प्लस रूट एक्स होगा वहां वहां पे हम लोग एक्स पुट कर देंगे, जहां जहां पे वन प्लस रूट एक्स होगा वहां वहां पे क्या पुट कर देंगे, एक्स। तो ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हम इस फंक्शन को वन प्लस रूट एक्स के फंक्शन में लिख सके, है ना। ये हमारा ये रफ वर्क है जस्ट आपके समझने के लिए। तो हमने क्या बताया कि ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हम इस गिवन फंक्शन को वन प्लस रूट एक्स के फंक्शन में लिख सकें। तो चलो कोशिश करते हैं वन प्लस रूट एक्स के फंक्शन में लिखने की। तो ये तो बड़ा ही आसान दिख रहा है, वन प्लस रूट एक्स के टर्म में इसको लिखना बहुत ही आसान है, इसलिए क्योंकि देखो यहां पर दिख रहा है टू रूट एक्स, तो मुझे लग रहा है ना इसका परफेक्ट स्क्वायर में आ सकता है। देखो इसका स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, यस परफेक्ट स्क्वायर में इजिली हम इसको वन प्लस रूट एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे भाई, वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो जरा देखो कितना आएगा, एक्स प्लस टू रूट एक्स प्लस वन। तो इसमें से वन सेपरेट कर दो, आप इसको लिख सकते हो टू प्लस और वन प्लस टू रूट एक्स प्लस एक्स। तो आप इसको लिख सकते हो टू प्लस और इसको आप क्या लिखा, आपने लिखा वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इस गिवन फंक्शन को हमने वन प्लस रूट एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट करके लिख लिया और हमें अभी निकालना क्या है, एफ एक्स। जब एफ एक्स निकालना है तो अब हम बिल्कुल बैक डायरेक्शन में काम करते हैं, जहां जहां पे वन प्लस रूट एक्स है वहां वहां पे हम लोग एक्स पुट करते हैं। देखिए हमारे पास आएगा टू प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, टू प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड फंक्शन एफ एक्स। यही हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन एफ एक्स होगा। आई होप कि क्लियर है, फिर से एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। अभी तक आप करते आते थे कि एफ एक्स दिया रहता था टू प्लस, जैसे मान लीजिए टू प्लस एक्स स्क्वायर दिया और आपको निकालना एफ ऑफ वन प्लस रूट एक्स, तो क्या करते थे, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे वन प्लस रूट एक्स पुट करते थे। अभी आपको ये दे दिया है और आपको उल्टा निकालना एफ एक्स, आप क्या करते हो, जहां जहां पे वन प्लस रूट एक्स है वहां वहां पे एक्स पुट कर दिया, ठीक है। आई होप कि किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब जरा मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि दिमाग मेरा इतना तेज नहीं है कि हम इसको वन प्लस रूट एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकें, इसको वन प्लस रूट एक्स के फॉर्म में। ऐसा मुझे बार बार थोड़ी दिख जाएगा कि ये चलो अच्छा दिख गया कि वन प्लस रूट एक्स का ये होल स्क्वायर बन रहा है, है ना, ऐसा हर बार नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन मैं लिख ही दूं जानबूझ के उल्टा पुल्टा, जिसको आप वन प्लस रूट एक्स में बहुत कोशिश करने पे भी जल्दी से कन्वर्ट ना कर पाओ, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वन प्लस रूट एक्स में आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, आपको मुश्किल पड़ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, या ऐसा फंक्शन मैंने लिख दिया जो मुझे भी ना दिखे कि ये वन प्लस रूट एक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा रास्ता, इसको ध्यान से समझिए, दिस इज अ जनरल अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इससे, इस अप्रोच से आप ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकोगे जो इजी नहीं है, जैसे ये तो इजी था, इजीली वन प्लस रूट एक्स में बदल गया, लेकिन इस अल्टरनेट से आप ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकोगे जो इजी नहीं है। तो अल्टरनेट देखेगा, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ वन प्लस रूट एक्स, कितना दिया हुआ है भाई, आपको दिया हुआ है थ्री प्लस टू रूट एक्स प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। आपको एफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ये सारे एक्स के लिए ट्रू है, आप कुछ भी इनपुट डालो ये रिलेशन सारे एक्स के लिए, हाँ ये गिवन फॉर द डोमेन, ये सब चीजों को सेटिस्फाई करे, अदरवाइज ये सारे एक्स के लिए ट्रू है। तो क्यों ना मैं एक्स की जगह पे कुछ ऐसा पुट करूं, कुछ एक्स की जगह पे ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दूं दोनों साइड में, ताकि ये हमारा वन प्लस रूट एक्स जो है वो एक्स में बदल जाए, ठीक है। फिर से सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि क्यों ना हम एक्स की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें ताकि ये हमारा वन प्लस रूट एक्स जो है वो किस में बदल जाए, एक्स में।
तो अगर मैं x की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दूं ताकि ये x में बदल जाए, तो हमें fx मिल जाएगा, बस खत्म, fx ही तो चाहिए था, और इधर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हम x की जगह पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें, ये भी तो एक प्रॉब्लम है, x की जगह पे हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा 1 प्लस रूट एक्स जो है वो x में बदल जाए। ठीक है, तो इसका जवाब सुनिए कैसे पता लगाते हैं, x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें ताकि हमारा 1 प्लस रूट एक्स जो है वो किस में बदल जाए, x में बदल जाए। लेकिन मैं यहां पे x नहीं लिखूंगा, पता है, मैं a लिखूंगा, क्यों अभी बताता हूं, अभी इसको समझिए। x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि 1 प्लस रूट एक्स हमारा x में बदल जाए ताकि ये एफ एक्स आ जाए, लेकिन हम यहाँ पे x नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, a, a इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर आप x लिखोगे ना तो फिर कैलकुलेशन में x की ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे देखे रफ में, अगर आप बोलोगे अच्छा 1 प्लस रूट एक्स को x में बदलना है, ऐसा क्या x पुट करें, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो फिर ये जो है ना ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, आपस में जुड़ घट जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएंगे, और इसकी ओवरलैपिंग को रोकना है ना, ये अलग चीज है और हमें इसको अलग चीज में बदलना है। ठीक है, तो चलिए देखें x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि हमारा ये 1 प्लस रूट एक्स ए में बदल जाए, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एफ ऑफ ए आ जाएगा और एफ ए आ जाएगा तो हम एफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से देखिए हमें मिलेगा रूट एक्स की जगह पे क्या मिला, ए माइनस वन, रूट एक्स की जगह पे ए माइनस वन पुट करना है, और एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, ए माइनस वन का होल स्क्वायर। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो जरा देखिए ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ ए, है ना, क्या बन गया, एफ ऑफ ए, वन प्लस रूट एक्स ए में बदल गया, इक्वल टू थ्री प्लस टू इन टू रूट एक्स, रूट एक्स की जगह पे ए माइनस वन, प्लस एक्स, एक्स की जगह पे ए माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज योर एफ ऑफ ए। ओपन करिए तो जरा, थ्री प्लस टू ए माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, तो जरा देखिएगा आपके पास आएगा, पहले ये टू ए और ये टू ए कैंसिल, थ्री प्लस वन फोर, फोर माइनस टू टू प्लस ए स्क्वायर, तो एफ ए आ गया टू प्लस ए स्क्वायर, तो एफ एक्स आ जाएगा, ए की जगह पे एक्स रख दो, ये आ जाएगा देखिए टू प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देखिए यू आर गेटिंग द सेम आंसर, सेम आंसर मिल रहा ना। तो ये आपका अल्टरनेटिव, ये जनरल अप्रोच है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इंपॉर्टेंट अप्रोच क्यों है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि अगर क्वेश्चन जनरल भी हो जिसको आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो या आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन को कैसे बढ़ाते हैं। क्लियर, एक्स की जगह पे कुछ ऐसा पुट करें कि ये हमारा एक्स में बदल जाए, लेकिन ओवरलैपिंग के डर से हम इसको एक्स नहीं बल्कि ए मानते हैं, तो हमें पता चल गया कि हमें एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन जरा मुझे करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सिमिलर रख रहा हूं, बस आपको देख, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने जो पॉइंट मैं बता रहा हूं सीखे कि नहीं सीखे। देखिए क्वेश्चन वही है, इफ जी एक्स इक्वल टू वन प्लस रूट एक्स, वही जी एक्स है, एंड एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट एक्स, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, बस यहां पे मैंने फर्क कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मैंने एक्स स्क्वायर कर, देन आपका क्वेश्चन है कि देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, तो आपको एफ एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने क्या कर दिया, बस छोटा सा चेंज, एक्स स्क्वायर क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर कर देने पे इसको ना आप इजिली वन प्लस रूट एक्स के फंक्शन में नहीं बदल सकते हो, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, तो इसलिए इस मेथड से क्वेश्चन करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो आपको पता है आपको यही जनरल वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, तो फॉलो दिस जनरल मेथड एंड ट्राई टू गेट द आंसर। ठीक है, जल्दी से ट्राई करिए, फिर हम इसको करके बताते हैं। चलिए करते हैं, देखिए क्वेश्चन फिर से, यहां पे आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है थ्री प्लस
टू रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको एफ एक्स निकालना है, जी एक्स की वैल्यू वन प्लस रूट एक्स पुट करो, आपको दिया है बेसिकली एफ ऑफ वन प्लस रूट एक्स, ये कितना दिया है थ्री प्लस टू रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दो रास्ते हैं आपके पास, एक रास्ता है कि आप इसको वन प्लस रूट एक्स के फंक्शन में बदल दीजिए, इस बार काम आसान नहीं है, वन प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर में ये नहीं आएगा, इस बार ये एक्स स्क्वायर आ गया है, तो इस बार काम आसान नहीं है, तो जनरल रास्ता चूज करते हैं। जनरल रास्ता ये है कि आप एक्स की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो, ये वाला एक्स में बदल जाए ताकि एफ एक्स की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। फिर से सुनिए, एक्स की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें, ये वन प्लस रूट एक्स हमारा एक्स में बदल जाए, एक्स मतलब ए में बदल जाए, है ना, ताकि ओवरलैपिंग से बचे। सो दैट मीन्स कि हमें रूट एक्स की जगह पे क्या पुट करना है भाई, ए माइनस वन, या एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ए माइनस वन का होल स्क्वायर। तो जब आप एक्स की जगह पे ए माइनस वन का होल स्क्वायर पुट करोगे तो आपको देखिए ये वाला बदल गया एफ ऑफ ए, और इधर देखिए क्या मिला, थ्री प्लस टू इंटू रूट एक्स की जगह पे ए माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए माइनस वन टू द पावर फोर, बस हो गया काम। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था एफ एक्स, तो एफ एक्स लिखते हैं, जहां जहां पे ए है वहां वहां पे एक्स डाल दो, तो आपको मिलेगा थ्री प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन टू द पावर फोर, एंड दैट बिकम्स योर आंसर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आई होप किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होगा। हाँ, बाकी यार फाइनल आंसर के हिसाब से अगर ओपन ओपन करके लिखा है तो फिर वो बात की बात, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे। क्वेश्चन है आपका, इफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स, है ना, क्या दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स, देन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एफ एक्स, ठीक है, जल्दी से निकालिए, इजिली आप कर सकते हो अगर आप चीजों को समझे हो तो। चलिए देखा जाए क्या किया आपने, देखिए सॉल्यूशन, देखो आपको दिया हुआ f ऑफ x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू x दिया है और पूछा जा रहा है fx निकालना है, तो हम लोग x की जगह पे कुछ ऐसा पुट करें, ध्यान से सुनिए, x की जगह पे कुछ ऐसा पुट करें ताकि ये वाला पूरा का पूरा x में बदल जाए, अगर ये पूरा x में बदल गया तो fx मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें, ये पूरा इनपुट x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन ये हमारा x में बदल जाए, तो हम x में नहीं a में लिखते हैं ताकि ये f ऑफ a मिले और हमारा fx फिर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि अगर x लिखोगे ना तो कैलकुलेशन में ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसलिए। तो चलो देखो भाई x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि ये वाला हमारा a में बदल जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए x माइनस वन इक्वल टू टू ए एक्स प्लस ए, एक्स की जगह पे ऐसा क्या पुट करें, एक्स की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि ये हमारा ए में बदल जाए, तो एक्स को एक साथ करिए, इसको एक साथ करिए, एक्स कॉमन, अंदर बचा वन माइनस टू ए, इस वन को उधर भेजिए तो इक्वल टू ए प्लस वन, तो हमें मिल गया एक्स इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन वन माइनस टू ए, ए प्लस वन अपॉन वन माइनस टू ए। अगर मैं एक्स की जगह पे ये पुट करता हूं तो ये हमारा ये वाला जो इनपुट है ये किसमें बदल जाएगा, a में बदल जाएगा। तो अभी देखिए आपके पास क्या मिला, आपके पास आएगा f ऑफ a इक्वल टू, इधर क्या आएगा, x की जगह पे आपने a ये पुट किया ये वाला, तो आपके पास आएगा a प्लस वन अपॉन वन माइनस टू ए। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था f ऑफ x की वैल्यू,
है ना, तो एफ ऑफ ए निकल गया तो एफ ऑफ एक्स निकल गया समझिए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जहां जहां पे ए है वहां वहां पे एक्स पुट कर दीजिए, तो आपके पास देखिए आएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टू एक्स, दैट इज योर रिक्वायर्ड फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड फंक्शन। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी ऐसी चीजें सॉल्व करने की। ठीक है, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं तो फटाफट नोट करिए। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर एकदम कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, पूरा कंपोजिट फंक्शन निकालने वाला, ठीक है, डिफिकल्ट वाला। वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई कॉमा टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स इन टू वाई, यानी कॉमा लगा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई कॉमा टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स इन टू वाई, देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, क्या निकालना है आपको, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपको निकालना है। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए मेरे से, ठीक है, उसके बाद आप करिए। देखिए ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो वही है पीछे वाले क्वेश्चंस का ही, बस यहाँ पे फर्क ये है कि इस फंक्शन में एक नहीं दो दो इनपुट जा रहे हैं। कौन कौन इनपुट जा रहे हैं पता है, एक्स एंड वाई, दो दो इनपुट जा रहे हैं तो फिर ये आउटपुट दे रहा है। तो आपको पता लगाना है कि ये दो दो इनपुट वाला फंक्शन कौन सा है, ये दो वेरिएबल वाला फंक्शन कौन सा है, जबकि आपको दिया क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई कॉमा टू एक्स माइनस वाई, अगर ये दो इनपुट डालते हो तो आउटपुट में एक्स इन टू वाई आता है, तो आपको बताना है कि वो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, फिर हम करते हैं इसको उसके बाद। ठीक है भाई, तो चलिए देखा जाए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है ना, ध्यान से देखिएगा मेरी बातें, ध्यान से सुनिएगा। दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई कॉमा टू एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ है आपका एक्स इंटू वाई, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है ना एक्स और वाई की, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, या ये फंक्शन कौन सा है दो वेरिएबल वाला। यहाँ पे दो दो वेरिएबल हैं, तो पता है इस बार मुझे x और y की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी है, x की भी वैल्यू कुछ पुट करनी है और y की भी वैल्यू कुछ पुट करनी है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है, तो x और y दोनों की वैल्यू कुछ ऐसे पुट करनी है ताकि ये वाला हमारा x में बदल जाए और ये वाला हमारा y में बदल जाए। क्लियर, हमें x और y दोनों की वैल्यू कुछ ऐसे पुट करनी है ताकि ये वाला x में और ये वाला y में बदल जाए, तो हमें पता चल जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या पुट किया जाए। हमें x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ताकि हमारा x प्लस टू वाई जो है वो x में, लेकिन हम x नहीं यूज करते हैं, नहीं तो ये ओवरलैप कर जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, प्रॉब्लम होने लगेगी ओवरलैपिंग में, तो हम इसको x और y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं ताकि ये वाला हमारा a में बदल जाए एंड दूसरा वाला 2x माइनस वाई ये हमारा b में बदल जाए। क्लियर, तो हम x और y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये वाला हमारा a में बदल जाए और ये दूसरा वाला हमारा b में बदल जाए। तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमें मिल जाएगा f ऑफ a कॉमा b मिल जाएगा, क्या मिलेगा f ऑफ a कॉमा b, कोई प्रॉब्लम नहीं, f ऑफ a कॉमा b मिल गया तो f ऑफ x कॉमा y तो निकल ही जाएगा, है ना। तो बताइए ऐसे कौन से x और y हैं जिसके लिए ये a में बदलेगा और ये b में बदलेगा, इट्स वेरी इजी टू फाइंड दोज एक्स एंड वाई, बिकॉज ये आपका कैसा, ये टू इक्वेशन टू वेरिएबल के जैसा है, है ना, इसमें काम करो, देखो टू से मल्टीप्लाई करके एड कर दो, ये माइनस टू वाई प्लस टू वाई कैंसिल हो जाएगा, फोर एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा फाइव एक्स इक्वल टू, इधर देखो कितना हो जाएगा ए प्लस टू बी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मिल गई ना, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी, ए प्लस टू बी अपॉन फाइव। y निकालने के लिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x 2x कैंसिल, 4 माइनस माइनस प्लस 5y इक्वल टू, इधर 2a माइनस b,
है ना, 2a माइनस बी, तो ये आया 5a, तो y कितना जाएगा, y आ जाएगा 2a माइनस बी अपॉन 5। तो हमें पता चल गया कि अगर हम x की जगह पे ये पुट करें, y की जगह पे ये पुट करें, तो ये वाला a में बदलेगा, ये वाला b में बदलेगा और हमें f ऑफ ए बी मिल जाएगा। तो भाई हमारा f ऑफ, जब ये पुट किया तो ये a में बदला, ये b में, हमें मिल गया f ऑफ a कॉमा b एंड दैट इज x इनटू y। x की जगह पे ये पुट करो, a प्लस 2b अपॉन 5 इनटू y की जगह पे ये पुट करो, 2a माइनस b अपॉन 5। लेकिन आपको f ऑफ x कॉमा y निकालना था ना, तो f ऑफ x कॉमा y आ जाएगा, a की जगह पे x, b की जगह पे y रखोगे, देखिए आएगा x प्लस 2y इनटू ये 2x माइनस y होल डिवाइडेड बाय 5 इनटू 5 25। ठीक है, सो f ऑफ x y जो है वो कौन सा फंक्शनल रिलेशन फॉलो कर रहा है, इट इज x प्लस 2y इनटू 2x माइनस y अपॉन 25। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए, जिसको जो डाउट पूछना है वो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिए, तो चलिए ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, अब इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, तो अब हम लोग कंपोजिट फंक्शन निकालने पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो उन पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चलिए नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं तब।